जो कमरा देखने के लिए हम आए थे, ये कमरा हुआ। हेलो फैमिली, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और वीडियो में। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यहाँ पे देखिए सोना भाग गई, ये मेरे क्यों भाग गई ये भाग गई। अभी हम यहाँ पे बैठे होंगे, आप लोग सोच रहे हैं क्यों बैठे हैं यहाँ पे। तो हमारा घर में जो वाईफाई था, वो जिनका था वो ले गए। तो जो है हमारे पास जो है यहाँ पे इंटरनेट काम नहीं करता है, थोड़ा सा बैक एरिया है ना, यहाँ पे नेट भी अच्छे से काम नहीं करता है। इसलिए आज 12 बजे जाने वाले वीडियो पता नहीं 2-3 बजे कब जाएंगे, 4 बजे जाएंगे। तो अपलोड कर रहे हैं अब यहाँ पे बैठ के, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा स्पीड है। फिर भी 1 GB का वीडियो पोस्ट करने के लिए 2-3 घंटा लगता है। यहाँ पे आते हैं तब रूम के अंदर रहते तो नेटवर्क काम ही नहीं करता, बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो ये सीन हो गया अभी यहाँ पे। तो अभी आपका मम्मी कहाँ है सुहाना? मम्मी यहाँ पे आ गई है, और मैं चप्पल में आया था यहाँ पे, चप्पल। तो सुहाना मेरे लिए शूज लेके आई है। अब फिर चप्पल रखने कौन जाएगा? मैं बोली इसको कि पहले पूछ के आओ, पापा पहनेंगे तो लेके जाना है। बोली क्या हाँ। नहीं पहनेंगे तो मैं वापिस आ जाऊंगी। हाँ। तो अभी आप पहनोगे तो चप्पल ये लेके जाएगी, अंदर छोड़ देगी। तो देखिए अभी यहाँ पे ये है चेंजिंग रूम आपका। ये हम वीडियो अपलोड करने के लिए आए, फिर भी नहीं हुआ है। हाँ, कहीं पे वो ही नहीं रहा ना। तो आप रेडी हो? चले, नहीं लिया, ठंडा लग रहा है बाहर में। आप तो हीरोइन बने फिरती हो ना। टोपी लेना था, अंदर में नहीं लगा था इतना ठंडा, बाहर निकले तो हवा चल रहा है। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में और चल रहे हैं। जो रूम हम कल देख के आए थे ना, आज दोनों को भी दिखाना है, सुहाना को भी दिखाना है, प्लस में मकान मालकिन जो है, अगर अच्छा लग जाए तो फाइनल भी करना है। हाँ, और पॉसिबल हो तो आईफोन भी लेना है, तो आईफोन की मालकिन को आईफोन दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉसिबल हो पाता है आजकल। देखिए दोस्तों, हम लोग ना ये बोल रहे थे कि मतलब वो लेंगे रेडमी 13 ना, अभी जो आया है, अभी जो अभी जो नया नया आया है रेडमी नोट 13 प्रो मैक्स, वो उसका 35,000 कुछ पड़ता है। 35,000 वो ब्लॉग के लिए बहुत अच्छा होता है, एडिटिंग वगैरह के लिए, सब कुछ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये कैमरा हमारे पास कैमरा एक भी नहीं, अभी सारा खराब हो गया, सारा फोन का। वैसे तो 2-3 फोन है लेकिन सारा का कैमरा खराब हो चुका है। और ये फोन भी पिछले 3 सालों से यूज कर रहे थे, हैंग होता है, कैमरा खराब हो गया, और भी दिक्कत है, टूट चुकी है पीछे से। तो इसलिए भी हम नया फोन तो लेने ही वाले थे। मैं सोची क्या कि जो हम एंड्रॉइड लेंगे उसमें सिर्फ ब्लॉगिंग या शॉर्ट्स वगैरह के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आईफोन लेते हैं नया वर्जन तो हम ले ही नहीं सकते, नहीं मतलब लेंगे ही नहीं, ले नहीं सकते हैं। तो फिर पुराने वाले ही हम आईफोन कोई सा भी ले ले, और उससे क्या होगा कि हमारा जो इंस्टाग्राम के रील्स, फेसबुक के रील्स, वहाँ पे भी हमको सपोर्ट होगा, मतलब उससे हम बना पाएंगे रील्स भी। आईफोन अच्छा होता है रील्स के लिए, या वीडियो के लिए भी, ब्लॉग के लिए भी, सारे कुछ के लिए। तो इसलिए मैं ऐसा बोली, मिनी ब्लॉग भी हम दोनों ट्राई करने वाले कर सकते हैं। हाँ, उस आईफोन में मुझे ओवरऑल सब कुछ अच्छा लगा, तो पुराने वाले भी ही लेंगे जो हमारा बजट में आ सके। तो आप लोग बताइएगा, हम जो सोचे हैं वो सही है कि नहीं, हमें आईफोन पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एंड्रॉइड पे, है ना। और बाकी ये है दोस्तों, हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी यूट्यूबर दोस्त हैं, सबके पास आईफोन ही है कि नहीं। तो इसलिए भी हम सोच रहे हैं कि पुराने वाले भी कोई सा 11-13 कोई सा भी ले लें, 12 है ना, कोई भी ले लें, ताकि हाँ कम पैसा में। आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों कि हम एंड्रॉइड ले या आईफोन। तो देखिए दोस्तों, जो कमरा देखने के लिए हम आए थे यहाँ पे आ गए हैं, और ये कमरा होने वाला है। सुहाना, सोना यहाँ पे करिए। सोना एकदम से वो गुंगी हो गई है, गुंगी हाँ। चुप हो गई, चुप चुप सा। पसंद आया बेटा? पसंद आया हाँ। ये हो गया किचन, अभी कुछ थोड़ा सा फिनिशिंग भी बाकी है हाँ। बोले किचन करवा देंगे, बोले 10 दिन का टाइम दीजिए हाँ। ये कमरा हुआ, ये हो गया कमरा, इसमें लाइट नहीं, लाइट लगा देगा बेटा, लाइट लगा देंगे। ये अलवारी हो गई, ये भी बनाना बाकी है अभी, ये थोड़ा सा बनाना बाकी है हाँ। तो ये सब बोले कि 10 दिन का टाइम लिए, हमारे पास भी तो 15 दिन टाइम है ना। जब तक हम क्या करते हैं, वो बाग कहाँ बोले, राम बाग में, राम बाग देख लेते हैं, उधर भी जाओगे हाँ, ना? ठीक है, चलो चलो ठीक चल, चलो हाँ। भगवान का फोटो है, और सुहाना का स्कूल जो है ये घर के डायरेक्ट सामने में है, पास में ही है बोलो हाँ। तो ये अच्छा है इस चीज के लिए, और ये हमारा रूम हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ किचन हो जाएगा इतना, और ये हमारा गेट हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं, पहले 10 दिन देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं, फिर आंटी कंफर्म कर लेंगे हाँ। नंबर मांग रहे, अपना नंबर दे दो। ये हो गया छत, ये हो गया सीढ़ी, है ना, सीढ़ी से ऊपर आएंगे, और ये रहेगा हमारा कमरा।
अब आप लोगों के कमेंट के ऊपर निर्भर है कि क्या राय विचार है आपका इसमें। इसका प्राइस है 3000, कितना प्राइस है? 3000 प्लस बिजली बिल बोले हैं। तो यहाँ पे सुहाना है, सुहाना किचन उचन नहीं है, पानी पी रहे हो बेटा? पियो पियो। वहाँ से कमरा देख के हम लोग निकल पड़े हैं और यहाँ पे सुहाना को दिख गई केक का दुकान। तो अब जिद करने लगे कि हम केक खाएंगे। अब बताइए क्या करें, केक तो खिलाना ही पड़ेगा ना। कौन सा वाला पसंद है सुहाना? लाल वाला, ये पीला वाला, पीला वाला। बीस का कौन सा है? ये 40 बोले। क्या बोल, खा लो बिना पूरा दे दीजिए। एक ये चॉकलेट वाला दे दीजिए। कौन वाला? चॉकलेट वाला, ताजा वाला दीजिएगा। लिए है बच्चे के लिए, खा रही है माँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। किस खुशी में? जी सर, हम शादी किए थे। इंस्टाग्राम पे 16,000 फॉलोअर हो गया उस खुशी में। लीजिए दोस्तों, आप सब दिखाइए। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे 10,000 कंप्लीट हो चुकी है। लीजिए ना, ठीक है। बताओ ना, इंस्टाग्राम पे 10,000 कंप्लीट हो गई है और यूट्यूब पे 95,000 कंप्लीट हो गई है। उसकी खुशी में सुहाना की तरफ से सभी दोस्तों के लिए केक। हाँ, अच्छा। दोस्तों को पूछे भी नहीं ना, भूल गए सुहाना दोस्तों को। हाँ, अरे अरे, हाँ जूठा नहीं खिलाना होता दोस्तों को पहले ही। अब हम पहुँच गए हैं राम बाग बोलते हैं यहाँ का, राम बाग के जो पूरा मंदिर है, कंकालनी मंदिर, कंकाली मंदिर, यहाँ पे आ गए हैं। अभी बीमू सुहाना देखिए पीछे चप्पल जूता खोल रही है, अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। कमरा बहुत ढूंढे लेकिन कहीं पे एक कमरा मिलता है, कहीं पे मिलता ही नहीं है। अभी और ढूंढेंगे, उससे पहले दर्शन कर लेते हैं, आए हैं तो। क्या सच बताए तो बहुत मुश्किल है रूम ढूंढना, बहुत मुश्किल तो है। चलिए सुहाना, ओहो। तो अभी हम लोग परिक्रमा भी कर लिए, पूजा भी कर लिए। सुहाना इधर ला, पैर मत मारो, पैर मत मारो। हाँ, हवन करने वाला, हाँ हवन करने वाला है। और इसका जो डिज़ाइन है ये देखो, काफ़ी अच्छा है, हमारे मिथिला के टाइप का है, खर है, खर बैठ गए। काफ़ी रूम देख लिए दोस्तों, अभी भी रामबाग में घूम रहे हैं उधर उधर। और ऊपर से मैं कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, कोई पीछे ना आ जाए। चलिए उठाते हैं, हाँ देखिए। तो एक एक फ्लैट देखे हैं, काफ़ी शानदार है ये ना रूम सब देखे। इतना अच्छा सा रूम है लेकिन इसका किराया भी बहुत तगड़ा होगा। इसका किराया औकात से बाहर जाएगा। चलो पहले किराया पूछते हैं, कितना किराया होगा ना। जितना अच्छा घर, जितना अच्छा फैसिलिटी वाला कमरा, उतना ही अच्छा प्राइस ना भी मुझे। प्राइस 12,000 दो कमरा, किचन, दो दो हॉल, बालकोनी, सब चीज़, था टाइल्स, मार्बल, एवरीथिंग, 12 प्लस बिजली बिल। अभी तक बीमू का सिर्फ रोने का मन हो रही थी, अब बोल रहे हैं कि सर भी दुखने लगा ना। चलो रूम ढूंढते ढूंढते बीमू थक गई, सुहाना थक गई, भूख भी लग गया इन बच्चों को। तो यहीं पे इसी के अंदर गए थे दोस्तों, इतना बड़ा महल के अंदर के कार भी जा रहे हैं, तो यहीं पे बाहर पे बिकता है। जगह का नाम क्या है भाई? रामबाग गेट के बाहर मिल रहा है ये मोमो। कितने का है? 20 का हाफ, 40 का फूल। उजला वाला होता है, हाँ। ये क्या है, ये टेस्ट करके बताओ कैसा है। तो खा लिए, रामबाग के गेट पर ही मिलता है ये भाई का दुकान। अभी तक 2 महीना हो गया हमको ना दरभंगा में, 5 स्टार में से 4.5 स्टार। बहुत टेस्टी लगा। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं अपने कमरे में, और आते ही बीमू जी सर पकड़ के बैठ गई है तेल लगकर। अभी तेल में लगाएगी, सर में तेल लगाएगी अपना ना बीमू जी। ठीक है, हम भी थोड़ा लगा लेते हैं, बहुत दिन हो गए तेल लगाए हुए। उसका रिव्यू तो दे चुके हैं लेकिन अभी तक हम लगा ही रहे हैं, कुछ असर नहीं दिख रहा है ना। इसका रिव्यू में अभी 0 रिव्यू है, कुछ भी उसका असर नहीं है। 2 hours later, इतना सर दर्द, इतना टेंशन, मुझे लगता है कि मैं पहली बार हो रहा हूँ यहाँ पे। अलग शहर, अलग जगह आके
नहीं मिल रहा है रूम, और यूट्यूब पे भी थोड़ी सी बैंड बज पड़ी है हमारी व्यूज को लेकर, कंटेंट को लेकर। और जो हम नया काम शुरू करने वाले थे, जो हमारे एक भैया जी हैं बीमू जी की ना, आप लोग जानते, वो आने वाले थे, हम साथ में एक नया काम शुरू करने वाले थे, उन्होंने भी आने से मना कर दिया। तो पूरा दिमाग का ही दही हो चुका है। इतना ही मैंने देखा कि आज मुझे मन था, मन ही मन, कि मैं पकौड़ा खाऊं। इस चीज का क्या बोलते हैं, गोभी का पकौड़ा सब खाऊं। मैं सोच रहा था कि मैं बीमू को बताऊं, लेकिन इधर टेंशन में, और वो लेक्स पे रूम भी सर्च कर रहा था, तो बड़ा टेंशन था, बता नहीं पा रहे थे। जब उधर दोस्त सबसे बात करके किचन में आए, तो बीमू को देखे ऑलरेडी ये आज पकौड़ा बना रही है। तो यही इनसे पूछे हम कि कैसे जान लिए मेरे मन के बात कि हम आज हमको खाने का मन है, क्योंकि हम प्रेम करते हैं ना, क्या हम प्रेम करते हैं आपसे, इसलिए आपके मन के बात हमको पता चल गया। हमसे भी कोई प्रेम करता तो मेरे मन के बात भी पता चल जाता कि देखो हमसे कौन प्रेम करता है। हम करते हैं आपसे प्रेम, तो कहां मन के बात जानते हैं। सबसे आपके मन के बात नहीं जानते। देखिए अभी मैं सब्जी काट रही थी, वहां पे देखिए सब्जी काटी हूं, और मुझे ये लगा कि इनको मन हो रहा होगा ये पकौड़ा खाने का, क्योंकि ये अक्सर खाते रहते, बोलते रहते पकौड़ा बनो, तो आज मैं बना देती हूँ, इनसे बिना पूछे बिना कुछ कहे बना दी। जब मैं बना रही हूँ ऐसे डाल रही थी, आखिर बोल रहे क्या थी, आज मुझे बहुत बार मन किया आपको बताने का कि प्लीज आज पकौड़ा बनो ना, खाने का मन कर रहा है करके। सरसों का तेल में गरम गरम पकौड़ा निकलेंगे दोस्तों। इसमें मैं धनिया नहीं डालू, अब नहीं डाली हो तो चलो ठीक, क्योंकि ठीक है। हाँ हमारे पास ग्राइंडर मशीन नहीं है ना, ऑर्डर नहीं किए, कर लो ना, डेली यूज का चीज़ है वो, अभी खाना बना के ऑर्डर कर लो, सस्ते वाले कर लेते हैं। हाँ सस्ते वाला कर लो।